देश की राजनीति इस समय राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी से सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एक ही सवाल उठ रहा था कि इस बार राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त राहुल केरल के वायनाड से सांसद हैं, वो वायनाड से ही लड़ेंगे या यूपी लौटेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और अब कांग्रेस ने तस्वीर बहुत हद तक साफ कर दी है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी इस बार अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव अमेठी की जनता की मांग पर लड़ेंगे। 2019 में राहुल गांधी कांटे की टक्कर में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टक्कर दे पाएंगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और राहुल गांधी के चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा दावा किया है। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं, 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई, उनसे पूछिए 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपए में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन। राहुल का अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, तो फिर पीएम मोदी मुश्किल में फंस जाएंगे। पीएम मोदी को दूसरी सीट भी चुननी पड़ सकती है। वैसे बीजेपी की ओर से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि पीएम इस बार दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, यानी चुनावों से पहले कांग्रेस ने बीजेपी की पूरी घेराबंदी की तैयारी कर ली है और निशाने पर पीएम मोदी भी आ चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और जो डराकर अपने साथ ले जाने का माहौल चल रहा है उसे लेकर जनता में गुस्सा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।